महापुराण की ये विचार करते रहते हैं, आखिर इस पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है? ऐसा इस महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती है? और जितने बैठे हो कथा के पंडाल में, कथा के बाहर, कथा के पंडाल से दूर, रोड पर, जमीन पर जितने बैठे हो, एक अंदाजा लगा कर जाना, 5 दिन की कथा सुनो, एक छोटी सी ऐसी डायरी में लिख के रख लो कि हम 5/2/2024 में हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, 5 दिन की 9 तारीख तक सुनी, हमने किसी प्यासे को 1 बोतल पानी पिलाया 10 रुपए का, हमने किसी को बिस्कुट खिलाया 5 रुपए का, हम अपने घर से ठेवा बनाकर लाए थे, गुड़ का आटे में गूंद कर बनाकर जो छठ पर बनाते हैं वो बनाकर लाए और पूरे लोगों को 2-2, 4-4 खिलाए थे, वो हिसाब जोड़ कर रखना और 3 महीने इंतजार करना, मेरा महादेव उसको 1,000,000,000 गुना बनकर ना दे तो उसको लिखो। इतना कृपालु, इतना दयालु, इतना दाता है वो, मेरा बाबा भोला जिसके सिर पे रख देगा कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के, मेरा बाबा भोला जिसके सिर पे रख देगा कर दे वारे श्रेष्ठता नहीं दिखाना, वो दिखाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो चमक चमकाएगा निश्चित। कृपा करता है भीम ने तप करा भगवान शंकर के साथ चौसर से शिवजी जी कैलाश छोड़ दिए, पाताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पताल में जाकर निवास करे तो शिवजी का नाम पतालेश्वर, जम के बोलो जरा, पतालेश्वर महादेव। भगवान शिव पताल में जाकर निवास, पताल में पहुंच गए निवास। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवादि देव महादेव पताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में पहुंचे। स्वयं भगवान विष्णु से मिलने के लिए पताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे ही गए
बैठे थे भगवान देवर्षि ब्रह्मा। शिव बैठे थे, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पाताल में लेट जाओ, कारण क्या है? आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतने इतने इतना तुम्हारा वर्चस्व है और तुम कथा सुन रहे हो? मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओं, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज? अरे भाई कहां चक्कर में पड़े हो? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर पर श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तु हम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे थे शिव महापुराण, एक दिन दुनिया के लोगों को यह मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है। या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या है? आप भी बताओगे? एक पत्र देखिए, और वो उर्वशी अप्सरा क्या लेकर आई साथ में? जम के बोलो जरा जल्दी, पारिजात के शंकर भगवान को चढ़ा हुआ एक पारिजात का फूल उठाकर, अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास। और एक और बात इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के करें। तो जो पुष्प होता है उस पुष्प के नीचे एक एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया कलर। अगर बाबा की कृपा पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए, और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं, और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़ कर तुमने सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया, जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाए और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना शिव पूर्ण हो। पारिजात के पुष्प का इतना वर्णन है, और कोई कहे कि गुरुजी आप ये पारिजात के वृक्ष का जो वर्णन कर रहे हो, आप जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी भी समर्पित करती है भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ, आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में, कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना है,
को अगर अशुभ सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं रह पा रहे हो, तो कम से कम एक महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ पारिजात की पत्ती को मल कर भले पानी से निकलो चाहे तुम्हें चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पांव काम करना चालू करेगा और तुम चलो ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितने भी पांव में दर्द हो, आपको चलना होगा ही। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का काम बड़ा बड़ा दो वृक्ष समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुए।